सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है मैं कर रही हूँ 6 बजे से, और अंधेरा भी हो गया है। ये देखिए अंधेरा भी हो गया है, मतलब हल्का हल्का है उजाला, और आज लाइट भी नहीं है क्योंकि आज जो है मौसम ख़राब है, बारिश लग रही थी सुबह से। मैं अपने लकड़ी वाले किचन में भी पहुंच गई हूं, और मम्मी ने देखिए यहां पे जला रखी है आग, लकड़ी वाले चूल्हे में आग जला रखी है, और पीछे पतीली पर रखा हुआ है पानी, और वहां पे मम्मी ने लाइटें जला रखी है क्योंकि आज तो लाइट है नहीं, सुबह से बारिश थी ना मम्मी। हाँ तो सुबह से बारिश थी तो लाइट आज आ रही थी। हेलो, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हम भी अच्छे हैं। आग जला रखी है, ठंडा हो रहा, बारिश लग रही सुबह से, और अब जाते हैं गौशाला दूध निकालने। तो आज दिखाते हैं आप लोगों को कैसे निकालते पहाड़ों में दूध। हाँ तो गाय भैंसों से कैसे निकालते हैं दूध? वैसे हमारी गाय तो दूध नहीं देती है, लेकिन भैंस देती है दूध। गाय ने बहुत दूध दे दिया है, हमारे को बहुत दे दिया, बहुत साल हो गए उसको। और बाहर का मौसम देखिए कितना ख़राब है, बारिश लग रही है, और ऊपर पहाड़ियों में नहीं दिख रही, और तरसाली वाला गांव जो है वहां बर्फ़ पड़ रही है। दोस्तों गौशाला जाने का भी टाइम हो गया, और अब जाते हैं गौशाला, तो आपको दिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं पहाड़ों में दूध, और वीडियो में बने रहना, और हम जाएंगे गौशाला। दोस्तों मेरी और मम्मी की तैयारी हो गई है गौशाला जाने की, तो आज आपको बताएंगे कि पहाड़ों में गाय भैंसों से दूध कैसे निकालते हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और ना भाई यहाँ पे किताब पढ़ रहा है रोहित, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है तू? इकोनॉमिक्स। हाँ तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, और रोहित के पेपर आ गए। रोहित कितनी तारीख से है पेपर? 24। हाँ तो 24 तारीख, इसी महीने 24 तारीख से है रोहित के पेपर, तो शाबाश पढ़ किताब। हाँ और मम्मी ने ना डब्बा भी रेडी कर दिया है दूध निकालने के लिए। तो ये गौशाला जाने का डब्बा। हाँ और मम्मी ने ना लाइट भी ले रखी है क्योंकि अंधेरा हो गया है, क्योंकि हमारी भैंस दूध नहीं देती जाती, तो इसको ले जाना पड़ता गौशाला। हाँ तो लाइट भी रखना पड़ेगा हमको। 7 बज गए। हाँ तो लाइट भी रख रखी है क्योंकि अंदर जो है ना गौशाले के अंदर जो है बहुत अंधेरा होता है, तो लाइट भी रख दी है मम्मी ने। तो मैंने छाता भी ले ली है क्योंकि बारिश लग रही है, तो मैं भीग जाऊंगी क्योंकि मैं सुबह में भीग गई थी, तो अभी भी भीग जाऊंगी मैं, तो मैंने छाता भी ले लिया है, और मम्मी तो बिना छाते की चली गई है। दोस्तों ना हम अपनी गौशाला भी पहुंच गए हैं, मतलब गौशाला के बाहर हैं हम अभी, और मम्मी ने देखिए आगे से जा रही है मम्मी, और मैं पीछे से जा रही हूँ, और ये रही हमारी काली, हमारा कल्लू है ये कल्लू, और हमारे कल्लू ने ना घास देखिए कैसे वो कर रखी है, कैसे उड़ा रखा है यहाँ घास। घास नहीं खा रही है। हाँ तो हरा घास चाहिए इसको। घास ही नहीं निकाला, बारिश लगी। हाँ तो आज सूखा घास देंगे। हाँ और हमारी राजमा देखो ऊपर खड़ी है, और हमारी गाय देखो कनू खड़ा कर रही हूँ। तो दोस्तों आज मैं निकालूंगी भैंस से दूध, तो आप देखिए वीडियो में बने रहिए, और ना कभी कभी मम्मी निकालती है भैंस से दूध, और कभी कभी मैं निकालती हूँ, तो आज मैं निकाल रही हूँ दूध। भैंस लात मारेगी तो चलेगा। तो ऐसे निकालते हमारे पहाड़ों में दूध। अरे ये खाली तो 7 बज गई, अभी तक दूध नहीं दे रही है। ऐसे निकालते हैं पहाड़ों में, आप लोग बोल रहे थे और कैसे निकालते, तो ऐसे निकालते हैं हमारे पहाड़ों में दूध। ये मोनिका निकाल रही दूध। दोस्तों मैंने दूध भी निकाल दिया है भैंस से, और मम्मी यहाँ डाल दी है घास, मम्मी ने काली के पास घास भी डाल दिया है, हरा घास थोड़ा बांझ और थोड़ा सा सूखा घास,
और गाय के पास भी थोड़ा सूखा घास थोड़ा हरा घास डाल दिया है और मम्मी यहाँ पे लगा रही है कुंडी। हाँ जब बना है ना ये लकड़ी का बना हुआ है और हम ना हमेशा मतलब दरवाजा लगाना पड़ता है जिससे अंदर बाघ जो है बाघ मतलब जंगली जानवर ना घुसे। तो दोस्तों अब चलते हैं घर और मम्मी ने ना आज शाम की चाय भी नहीं पी तो चलते हैं घर और अंधेरा भी बहुत हो गया है। तो दोस्तों फाइनली हम घर भी पहुंच गए हैं और ना हम जो दूध हम ना यहाँ गैस वाले किचन में रखेंगे दूध और हमारा जो गैस वाला किचन है ना बस ये छोटा सा ही है मतलब ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है। हम कभी कभी यहाँ मतलब चाय बनाते हैं और गर्मियों में ना खाना बनाते हैं मतलब कभी कभी बनाते हैं खाना भी। तो दोस्तों अब बनाते हैं शाम की चाय और मम्मी ने शाम की चाय नहीं पी आज तो बोल रही है कि अब बनाती हूँ मैं चाय। तो कई लोगों ने मेरे को कमेंट कर रखा था कि गुड़ वाली चाय कैसे बनाते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगी कि गुड़ वाली चाय कैसे बनाई जाती है और सभी पहाड़ियों की फेवरेट होती है गुड़ वाली चाय और चीनी वाली चाय कम पीते हैं पहाड़ों में। हमने फ्राई पैन भी चूल्हे में चढ़ा दिया है और इसमें डालेंगे पानी। हमने इसमें चाय पत्ती भी डाल दी है। पानी डाल दिया चाय पत्ती भी डाल दी। हाँ हमने जो चाय पत्ती डाली थी ये भी उबलने लग गया है तो अब हम इसमें डालेंगे दूध और हमने दूध भी डाल दिया है। और हमने चाय भी बना दी है गुड़ वाली चाय। तो ऐसे बनाई जाती है गुड़ वाली चाय। आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें गुड़ नहीं डाला और हम ना गुड़ को अलग से खाते हैं चाय के साथ तो मैं आपको बताऊंगी तो मम्मी बताएगी कैसे पीते हैं गुड़ वाली चाय। मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो ये है पहाड़ी चाय गुड़ वाली चाय। तो ऐसे बनाई जाती है पहाड़ों में गुड़ वाली चाय। दोस्तों आप भी ट्राई करना कभी गुड़ वाली चाय तो बहुत अच्छी होती है गुड़ वाली चाय। आप लोग देख रहे हैं गुड़ की चाय। अरे पहले गुड़ को खाते हैं तब चाय पीते हैं तो ऐसे पीते हैं ऐसे पी जाती है गुड़ की चाय पहाड़ में गुड़ चाय। हाँ तो पहले गुड़ को खाते हैं फिर चाय की एक सोडगी जितने भी खा सकते हैं गुड़। आजकल ठंडा हो रहा है ना पहाड़ों में तो खूब खाते हैं गुड़। हाँ तो वैसे गुड़ अच्छा होता है। हाँ गुड़ अच्छा अच्छी चीज है सुगा नहीं होता गुड़ से एक चाय भी अच्छी होती है गुड़ की। हाँ। तो पहाड़ में हम गुड़ की चाय पसंद करते हैं चीनी की हम कम पीते हैं चाय। तो आप लोग बोल रहे थे कि गुड़ की चाय कैसे पीते हैं और कैसे बनाते हैं तो आप लोगों को हमने दिखाया। हाँ चाय को पहले फीका बनाना पड़ता है ना। फीका बना गुड़ नहीं डालना है चाय में ना तो दूध फट जाता है। इसमें ऐसा स्वाद आ रहा है ना बैंगर क्या बोले कितने गिलास पीना है। हाँ मम्मी ने तो सुबह से 10-12 गिलास चाय की मैंने पी दो चाय ना दो तीन ज्यादा नहीं दो तीन चाय पी ली। देखा झूठ बोल दिया 10-12 चाय नहीं सुबह बोल रही सच बोल रही हूँ 10-12 चाय 5 गिलास मैंने दो दिए थे। चाय मैंने सुबह में पी दो शाम को पी दो दिन को। तो ऐसी पी जाती है पहाड़ों में चाय गुड़ की गुड़ मत डालना चाय में दूध फट जाता। दोस्तों इसने फुल कर दिया पूरा गिलास देखो भर के चाय पीले की चाय पत्ती बनी दोस्तों ये इसका हाल ही है। बताओ मम्मी क्या बोल रही है। बोल रही कि मैं तू पी रही वाला मैं आप पी रही हूँ चाय इसका ऐसा चाय पत्ती बना रखी मैं दिन भर चाय पिलाती रहती है मेरे को। हाँ। थक गई मैं चाय पी पी के चाय पिले की चाय पत्ती बनी छू। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं तो दिन भर चाय पीती हूँ तो मैंने सोचा आप मेरी पर एक गाना बना देती मैं तो घर वाले में बोला मैंने चाय पी के मैं चाय पत्ती बन गई। हाँ चाय पी के मैं चाय पत्ती बन गई हूँ। चाय पिले की चाय पत्ती बनी छू के मना बोलिया भेजी की मोनिका ने चा पिले के मरियो छू। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई आप चाय पीएंगे तो देखो आप ये गिलास। हाँ। तो आप लोग भी आ जाओ पहाड़ी चाय पीने जब केदारनाथ आएंगे तो हमारे घर पर गुड़ की चाय पीने जरूर आना ठीक है। हाँ।
तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए कमेंट करना, शेयर करना और बाय बाय, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, बाय।